हमने जहां पर खत्म किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं क्या बताने जा रहा था आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर, इनफाइनाइट लेंथ सिलेंड्रिकल कंडक्टर, ये ठीक है कर लेते हैं। देखो मैंने एक इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर बना दिया, इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर, ठीक है, ऊपर इंफिनिटी तक, नीचे भी इंफिनिटी तक। ये इसका क्या हो गया, एक्सिस हो गया सिलेंडर का। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज कैपिटल आर, ठीक है। हमने चार्ज दिया सिलेंडर को, क्योंकि कंडक्टर है तो आपको पता है सारा चार्ज कहां आएगा, सरफेस पे आ जाएगा, क्योंकि इनफिनिट लेंथ है तो सारा चार्ज कहां पर, कर्व्ड सरफेस पे सिलेंडर के, ठीक है। इतनी बात, किस पे, सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस पे। तो सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस पे सारा चार्ज आ गया, मानो मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया तो सारा पॉजिटिव चार्ज सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस पे। कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि कुछ भी एक्सेस चार्ज होगा वो कहां आएगा, कंडक्टर के सरफेस पे, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो होल चार्ज इज अपियरिंग ऑन कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। नाउ प्लस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर इज यूनिफॉर्म। क्यों यूनिफॉर्म बेटा, क्योंकि कर्व्ड सरफेस सिलेंडर है, सिलेंडर का रेडियस हर जगह पर कर्व्ड सरफेस का क्या है, सेम है, तो सिग्मा क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। इतनी बात, रेडियस सिलेंडर का क्या है, आर है, सिग्मा यूनिफॉर्म है, क्लियर है, ये हमें पता चल गया। अब एक बात और हमें पता है कि अंदर किसी भी पॉइंट पर कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। तो एक्सिस से किसी भी आर दूरी पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। तो मैं लिख देता हूं, ई इज इक्वल टू जीरो इफ आर इज लेस देन कैपिटल आर, कोई दिक्कत नहीं। अब बाहर वाले पॉइंट के लिए बेटा बात करनी है, बाहर वाले पॉइंट के लिए अगर हम बात करें आर दूरी पे एक्सिस से बाहर कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप पिछला एग्जांपल याद करो, जब हमने स्फेरिकल कंडक्टर लिया था तो स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज कैसे आया था, यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो हमने बाहर वाले पॉइंट के लिए उस सारे चार्ज को स्फेयर के कहां मान लिया था, सेंटर पे मान लिया था एज अ पॉइंट चार्ज। फिर से एक बार ध्यान सुनो, स्फेरिकल कंडक्टर में चार्ज सरफेस पे यूनिफॉर्मली आया था और बाहर वाले पॉइंट के लिए हमने वो सारा का सारा चार्ज कहां पर मान लिया था, एट द सेंटर ऑफ स्फेयर, ठीक है। इतनी बात, सेम वे स्फेयर का सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉइंट होता है एट द सेंटर, उसी तरीके से सिलेंडर का सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एक्सिस होता है, ठीक है। तो मैं क्या मान सकता हूं, फॉर पॉइंट आउटसाइड, फॉर पॉइंट आउटसाइड सिलेंडर वी कैन अज्यूम होल चार्ज टू बी, होल चार्ज टू बी ऑन एक्सिस ऑफ सिलेंडर यूनिफॉर्मली, ठीक है। सारा चार्ज एक्सिस पे सिलेंडर के यूनिफॉर्मली विद, क्योंकि पूरी एक्सिस पे आ रहा है हर जगह चार्ज यूनिफॉर्मली आ रहा है, तो विद लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा,
तो सारा चार्ज जो सरफेस पे था कर्व्ड सरफेस पे, उसको हमने एक्सिस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा वाला मान लिया। चलो अब जो सारा चार्ज सरफेस पे था वो कितना था, सिग्मा इनटू कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया इज व्हाट, 2 पाई आर इनटू व्हाट, एल। यही सारा चार्ज एक्सिस पे आ गया लैम्डा इनटू एल, ठीक, कट गया एक दूसरे से। अब जब सारा चार्ज हमने यहां मान लिया तो ये एक इनफाइनाइट स्ट्रेट थिन वायर हो गई यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लैम्डा वाली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पर E इज इक्वल टू, इनफाइनाइट वायर की वजह से r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा हुआ है कितना होता है, 2k लैम्डा अपॉन r। अब हम लैम्डा की वैल्यू डाल दें बेटा इन टर्म्स ऑफ व्हाट, सिग्मा। तो E इज इक्वल टू 2 अपॉन k की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और लैम्डा की वैल्यू कितनी बेटा, लैम्डा की वैल्यू सिग्मा 2 पाई r, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो E कम्स आउट टू बी व्हाट, सिग्मा कैपिटल R अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r, ठीक है। तो ये हो गया इफ R इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल R। अब हम E का वेरिएशन देख लें डिस्टेंस के साथ, एक्सिस के, एक्सिस से डिस्टेंस के साथ। दिस इज व्हाट R एंड दिस इज व्हाट E। पहले तो जीरो है, कहां तक, R इक्वल टू कैपिटल R पे अचानक इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू हो जाएगी, उसके बाद 1 अपॉन R के हिसाब से क्या करेगी, वेरी करेगी, क्लियर है। ये हो गया। अब इसके बाद एक और इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा एक चीज और क्लियर हो गई कि अगर यूनिफॉर्म, चलो एक चीज और देख लेते हैं, ये तो हो गया कंडक्टर की वजह से। अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ सिलेंडर या इनफिनिट लेंथ सिलेंड्रिकल शेल, शेल मतलब अंदर से खोखला, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ठीक है। अब जरा देखो, अब जो सारा चार्ज है कहां पर है, सरफेस पे है, तो प्लस सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर एंड इट इज यूनिफॉर्म गिवन टू अस, दे रखा है, हाँ या ना। अब अगेन क्योंकि अरेंजमेंट सेम है, जो कंडक्टर वाला था वही अरेंजमेंट यहां भी है, तो क्योंकि चार्ज सारा सरफेस पे यूनिफॉर्मली है कर्व्ड सरफेस पे, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या होगी, जीरो होगी। अभी कंडक्टर में हमने पढ़ा था अगर सेम अरेंजमेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या जानी चाहिए, जीरो आ जानी चाहिए। अब बाहर वाले पॉइंट के लिए बिल्कुल उसी तरीके से हो जाएगा कि हम सारे चार्ज को जो सरफेस पे है एक एक्सिस पे मान सकते हैं, ठीक है, इतनी बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट क्या आएगा, दोनों के लिए सेम आएगा, ठीक है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। अब आते हैं हम, अच्छा एक चीज और, अगर कर्व्ड सरफेस पे सिलेंडर के यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था तो अंदर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, क्लियर है। चलो अब आते हैं अगले काम पे, अगला देखते हैं। अब मैं भाई आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे दूंगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाय कूलम्स लॉ आज खत्म हो जाएगा आपका, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आज मिल जाएंगे बुकलेट के और डीपीपी भी मिल जाएगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ सिलेंडर, कैसा सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, नॉन कंडक्टिंग, मतलब सारा चार्ज अंदर रहेगा फिर, तो नॉन कंडक्टिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, क्लियर है। अब ठीक है, ये कहानी आ गई हमारे पास। अब जरा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिट लेंथ सॉलिड सिलेंडर नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज, तो चार्ज डेंसिटी कितनी, प्लस रो, ठीक है। अब मुझे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है किसी पॉइंट पे और बाहर बतानी है। अंदर अगर मैं आर दूरी पे देखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात करता हूं, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, मैं इस आर दूरी पे एक इमेजिनरी सा सिलेंडर बनाता हूं ऐसे। इस सिलेंडर के बाहर जो सिलेंड्रिकल शेल्स होंगे, ये वाला
या इसके बाद ये वाला, these cylindrical shells are again uniformly charged cylindrical shells, पतले पतले shells से solid cylinder बना होगा, cylindrical shells कैसे होंगे, uniformly charged cylindrical shells and they will not produce any electric field at any point inside them. अभी पढ़ा हमने कि अगर uniformly charged cylindrical shell होता है तो अंदर electric field produce नहीं करता, same जैसे uniformly charged स्फेरिकल शेल था तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होती थी, जीरो होती थी. दे विल नॉट प्रोड्यूस एनी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड देम. तो इसका मतलब ये जो सारा शेडेड पोर्शन है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट पर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है जहां हम निकालना चाहते हैं. अब खेल क्या रहा, अब जो अंदर सिलेंडर्स हैं या सिलेंड्रिकल शेल्स हैं उनका खेल रह गया. तो अंदर सिलेंड्रिकल शेल देखो जरा, मान लो ये है, कितने रेडियस का, एक्स रेडियस का, कितनी थिकनेस का, डीएक्स का, तो इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस प्लेस क्योंकि आउटसाइड हो गया डीई. फिर इसके बाद वाला शेल भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा डी ई, उसके बाद वाला भी डी ई प्रोड्यूस करेगा. मतलब जो सारा चार्ज इस ब्लैक वाले रीजन में आ रहा है देखो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, ये वाला करेगा कंट्रीब्यूट. ठीक है, इतनी बात. अब यही इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालनी है. ठीक है, अब इसके लिए क्या कर सकता हूं मैं क्या कर सकता हूं, आप एक बात बताओ, ये जो शेडेड पोर्शन है ये वाला, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी डी ई डी ई डी ई. सारे डी ई क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में, क्योंकि सारे सिलेंड्रिकल शेल्स हैं. ये डी ई सेम डायरेक्शन में होंगे सारे के सारे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी इस पॉइंट पे इधर की तरफ ही होगी. रेडियली आउटवर्ड अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यूनिफॉर्म है, तो मैं इस पोर्शन, इस रीजन के अंदर, ये जो मैंने ज्यादा शेड कर दिया, इस रीजन के अंदर जो भी चार्ज है उसको मैं एक्सिस पर क्या कर सकता हूं, मान सकता हूं सारे के सारे को. किस पे मान सकता हूं, एक्सिस पे, विद लीनियर चार्ज डेंसिटी. ठीक है, तो मैंने क्या करा, अब जरा दोबारा से देख लो, यही सिलेंडर फिर से बना दिया इन्फिनिट. मैं इस जगह पे जानना चाहता हूँ आर डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आ रहा है डी डी कसम. तो ये जो सिलेंडर बनाया मैंने, इसके अंदर जितना भी चार्ज आ रहा है उसको मैं कहाँ मान सकता हूँ, एक्सिस पे मान सकता हूँ सारे के सारे चार्ज को, सिमेट्री की वजह से. ठीक है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं. तो सबसे पहले जरा देखो, देयरफॉर वी कैन अज्यूम therefore we can assume whole charge of shaded portion to be on axis of cylinder, क्योंकि cylinder की symmetry axis होता है, sphere की symmetry उसका center point होता है, axis of cylinder. ठीक है, कर लेते हैं. तो लेमडा इंटू एल,
मैंने लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा मान ली इसकी यूनिफॉर्म एक्सेस ऑफ सिलेंडर विद यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी. तो लैम्डा इंटू एल इज इक्वल टू, अब जो चार्ज इस सिलेंडर के अंदर आया होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल, ये आएगा एल से आपका एल कट जाता है. अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफिनिट लीनियर वायर की वजह से आएगी ई इज इक्वल टू टू के लैम्डा अपॉन आर, वैल्यू डाल देते हैं बेटा 2/4πε0r. अब लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू कितनी रो पाई आर स्क्वायर, ये 2 हो गया बेटा, पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, तो ई कम्स आउट टू बी व्हाट रो आर अपॉन 2ε0 इफ आर इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर. क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें. अब आ जाते हैं बाहर किसी पॉइंट पे. अब जब हम बाहर वाले पॉइंट के लिए बात करेंगे, ये हमारे पास इनफिनिट सिलेंडर है, ये इसका एक्सिस है, रेडियस कितना आर, मुझे कहाँ निकालना है बाहर किसी पॉइंट पे, इस जगह पे. तो अब आप एक बात बताओ, हर सिलेंडर सिलेंड्रिकल शेल जो भी मैं मानूंगा इस पॉइंट के लिए क्या पड़ रहा है, अंदर पड़ रहा है, तो हर सिलेंडर क्या करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूट करेगा. जैसे ये वाला सिलेंड्रिकल शेल है, दिस सिलेंडर विल कंट्रीब्यूट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज व्हाट डीई. फिर अगला सिलेंडर भी डीई उसी डायरेक्शन में, इसके अंदर वाला सिलेंडर भी सिलेंड्रिकल शेल भी डीई उसी डायरेक्शन में, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो जाएगा रेडियली आउटवर्ड अगर पॉजिटिव चार्ज है. अब हम क्या कह सकते हैं, देखो अब क्या करो, हम अगेन वी कैन अज्यूम होल चार्ज ऑफ द सिलेंडर टू बी ऑन एक्सेस ऑफ सिलेंडर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो हम क्या कह सकते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं अंदर वाले पॉइंट वाले को, तो वी कैन अज्यूम होल चार्ज टू बी ऑन एक्सिस ऑफ सिलेंडर विथ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा. तो जरा देखो, लैम्डा इंटू एल विल बी इक्वल टू रो, अब होल चार्ज है तो रेडियस कितना पाई आर स्क्वायर इंटू एल, एल से एल कट गया, ई किसके बराबर टू के लैम्डा अपॉन आर, तो ई इज इक्वल टू टू अपॉन 4πε0r, लैम्डा की वैल्यू रो पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कटता है, टू से टू कटता है, तो ई कम्स आउट टू बी रो आर स्क्वायर अपॉन 2ε0r. ठीक है, तो अब दिस इज व्हेन इफ आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर. तो दोनों रिजल्ट मिल गए, अंदर वाले पॉइंट के लिए भी और बाहर वाले पॉइंट के लिए भी. अब एक चीज और बेटा, कुछ लोगों को लग रहा होगा अरे डेरिवेशन बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, इतना दिमाग हम कैसे लगाएंगे, तो आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको रिजल्ट याद रखने हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है इतनी बात. तो अंदर वाले पॉइंट के लिए आया था रो आर अपॉन 2ε0 इफ आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर, ई इज इक्वल टू रो आर स्क्वायर अपॉन 2ε0 स्मॉल आर इफ आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर. अगर इक्वलिटी देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, इसलिए मैंने दोनों तरफ इक्वलिटी होल्ड कर रखी है. अब अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, आर इक्वल टू कैपिटल आर तक लीनियर वेरिएशन, उसके बाद 1/r, ठीक है इतनी बात. दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिट नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है इतनी बात. अब आ जाते हैं हम एक लास्ट, उसके बाद हम नॉन यूनिफॉर्म वालों की वजह से, कुछ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, क्योंकि अभी तक हमने सारा किसकी वजह से देखा है, यूनिफॉर्म वाले की वजह से, ठीक है. चलो अब देखो, आपको फॉर्मूले याद रखने बेटा, डेरिवेशन आपको अभी एक और तरीके से कराई जाएगी, दैट वुड बी व्हाट बाय गॉस लॉ, ठीक है. तो गॉस लॉ वाली डेरिवेशन आपको आनी चाहिए, कूलम्स लॉ वाली डेरिवेशन आपको नहीं भी आती है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि गॉस लॉ वाला आपके बोर्ड के सिलेबस में है, कूलम्स लॉ से जो हम डिराइव कर रहे हैं वो आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है. अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू थिक इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग थिक है यूनिफॉर्मली चार्ज तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मैं ये ले रहा हूं देखो आप मेरे आपके सामने एक बुक है ये बुक इधर इन्फिनिटी तक पीछे इन्फिनिटी तक इधर इन्फिनिटी तक इधर इन्फिनिटी तक और इसकी थिकनेस ये दिख रही है आपको मैं एक और बुक रख दूं थोड़ा और थिक हो जाएगा ठीक है तो अब हमारे पास ये हो गया इन्फिनिटी इन्फिनिटी सामने इन्फिनिटी अंदर भी इन्फिनिटी ठीक है इतनी बात ये हमारे पास थिक शीट हो गई इन्फिनिट साइज की हाँ इसकी थिकनेस ले लेते हैं सपोज इट्स थिकनेस इज व्हाट टी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी प्लस रो विच इज गिवन व्हाट यूनिफॉर्म मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैंने इसकी शीट की सिमेट्रिकल प्लेन ले लिया आधा ऊपर आधा नीचे मुझे एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बताना है अंदर आर दूरी पे और एक बार बाहर बताना है आर दूरी पे सिमेट्रिकल प्लेन से बाहर आर दूरी पे कैसे करेंगे अब ये इशू है तो देख लेते हैं कैसे करते हैं मैं क्या मान सकता हूं ये जो हमारा थिक इन्फिनिट शीट है नॉन कंडक्टिंग ठीक है ये बहुत पतले पतले थिन नॉन कंडक्टिंग शीट्स की वजह से बना हुआ है मान सकते हैं कि नहीं मान सकते थिन नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट्स की वजह से बना हुआ है बहुत सारे ठीक है तो मैं क्या कह रहा हूं वी कैन अज्यूम दिस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिक शीट मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ थिन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग शीट्स मान सकते हैं नहीं मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं ठीक है अब अगर मेरे पास एक थिन नॉन कंडक्टिंग शीट है तो उस पर चार्ज डेंसिटी क्या होगी प्लस सिग्मा होगी और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है और ये इन्फाइनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगी ऊपर की तरफ कितनी सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट और इधर नीचे की तरफ भी कितनी सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट ठीक है अब इससे हम कुछ करते हैं देखते हैं एक मिनट सबसे पहले मैं अंदर वाले पॉइंट पर बात करूँ ठीक है उसके बाद बाहर वाले पॉइंट पर हमारे पास ये थिक इन्फिनिट शीट है इधर इन्फिनिटी सामने इन्फिनिटी अंदर इन्फिनिटी ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है मुझे इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना था प्लेन ऑफ सिमेट्री से आर दूरी पे तो अब जरा देखना एक मिनट ध्यान से हाँ इसके ऊपर जो थिन शीट्स हैं इनफाइनाइट उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस जगह पे वो आएगी इस एक शीट की वजह से DE1 नीचे की तरफ और कितनी आएगी इस शीट की चार्ज डेंसिटी सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट और इस लाइन के नीचे रेड वाली लाइन के नीचे रेड कलर से बना रहा हूं रेड वाली लाइन के नीचे जो शीट्स होंगी उनकी वजह से DE2 दैट वुड बी सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ठीक है
तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। ठीक है, अब क्योंकि आप देखो रेड वाली लाइन के नीचे ज्यादा शीट्स हैं तो DE2 DE1 से बड़ा होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कैसा होगा, ऊपर की तरफ होगा E। ठीक है, अब ये निकालना है, तो E इज इंटीग्रेशन DE2 माइनस इंटीग्रेशन DE1, ये करना है। अब ये कैसे निकलेगा बेटा देखते हैं। अब आप एक चीज देखो, हम ये कह सकते हैं कि DE2, D2 किसका, इस वाली शीट का है, फिर अगली शीट का, फिर अगली शीट का, यानी कि E2 जो होगा, जो E2 होगा दैट वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, DE2। E1 जो होगा दैट वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, DE1। और जो हमारे पास E आएगा दैट वुड बी E2 माइनस E1, ये आएगा कि E2 ज्यादा है, देखो शीट्स ज्यादा है। अब कैसे कैलकुलेट करें इसे, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक, अब जरा देखो, मैं शीट पे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ले रहा हूं, लेकिन यहां से यहां तक है क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो हम क्या मान रहे हैं, इस रीजन में जो भी चार्ज है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वाला है। ठीक है, इतनी बात, तो रो इनटू टोटल वॉल्यूम, मान लेते हैं शीट का एरिया, हालांकि इन्फिनिट शीट है, उसका एरिया मैंने ए लिख दिया, और ये थिकनेस कितनी है जरा देखना, ये यहां से यहां तक कितना है टी बाय टू, और उसमें से कितना घटा दिया हमने, आर घटा दिया, तो रो ए इनटू, ए क्या है, ये वाला एरिया, सरफेस एरिया ये वाला। ठीक है, रो ए इनटू टी बाय टू माइनस आर, दिस इज इक्वल टू, ठीक है इसको मिटा रहा हूं, दिस इज इक्वल टू सिग्मा इनटू व्हाट, एरिया ए, क्योंकि हमने तो इसको एरिया शीट पे माना हुआ है। तो अब जरा देखो, ए से ए क्या कर गया, कट गया, तो रो कैन बी रिटन एज व्हाट, क्या कहते हैं, रो सिग्मा कैन बी रिटन एज व्हाट, रो इनटू टी बाय टू माइनस आर, या आप ये कह सकते हो कि जो सारा चार्ज इस छोटे से वॉल्यूम में था, रो ए, अगर मैं इसकी थिकनेस क्या मानू, डी एक्स मान लू, रो ए डी एक्स, दिस वुड बी इक्वल टू व्हाट, सिग्मा इनटू ए, तो सिग्मा इज व्हाट, रो इनटू व्हाट, डी एक्स। चलो अब हम ई टू निकालते हैं, एक बार ई वन निकालते हैं, तो ई टू इज व्हाट, जरा देखो, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, यही आ रहा है इसका इंटीग्रेशन, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, लेकिन रो dx अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और dx का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, जरा देखो dx यहां से लेके यहां तक कितना हो गया, अगर ये जीरो है तो t बाय टू प्लस आर, तो कहां से कहां तक, जीरो से t बाय टू प्लस आर। ठीक है, इतनी बात, e1 इज रो अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट dx जीरो से लेकर के यहां तक, तो कहां से कहां तक, जीरो से t बाय टू माइनस आर, तो अगर हम e1 e2 की वैल्यू रखें यहां, तो e कम्स आउट टू बी e2 इज रो अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है इतनी बात, t बाय टू प्लस आर माइनस रो अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट t बाय टू माइनस आर। बेटा देखो, फर्स्ट टर्म कट जाती है, तो e कम्स आउट टू बी व्हाट, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू व्हाट r, देखो यही आ रहा है, दिस इज व्हेन इफ r इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, t बाय टू। ठीक है, अब आ जाते हैं बाहर वाले पॉइंट पे, ये आ गया रो r अपॉन एप्सिलॉन नॉट इफ r इज लेस देन t बाय टू। अब बाहर वाले पॉइंट के लिए आ जाते हैं, बाहर वाला पॉइंट थोड़ा आसान हो जाएगा इससे, बाहर वाले पॉइंट के लिए अगर हम आते हैं, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इस पॉइंट पे बताना है, तो आप एक बात बताओ, सारी शीट्स जो यहां आ रही हैं सिग्मा वाली, वो सारी की सारी सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे DE, तो E हमारा ऐसे करके बाहर की तरफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल। अब E इज इक्वल टू रो डी एक्स अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट का इंटीग्रेशन, और DX कहां से कहां तक, जीरो से, ये DX था, कहां से कहां तक, जीरो से लेकर के T तक, सारे के सारे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जीरो से T, तो E कम्स आउट टू बी रो T अपॉन
टू एप्सिलॉन नॉट इफ आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट टी, मतलब बाहर क्या हो गया यूनिफॉर्म हो गया और अंदर वेरी कर रहा है विद व्हाट आर लीनियरली, ठीक इतनी बात। अब जरा देखो एक मिनट मिटा दूं मैं ये सब। अब देखो आप दिस इज रो टी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इफ आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी, ई इज इक्वल टू रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इफ आर इज लेस देन इक्वल टू टी, ठीक है ये शीट था हमारे पास। एक चीज और है बेटा ध्यान सुनना, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ, यहां पर भी ऊपर की तरफ, यहां पर इधर नीचे की तरफ कि उधर वाला ज्यादा हो जाएगा और यहां पर ऐसे नीचे की तरफ। तो अगर मैं अब ग्राफ बनाता हूं इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान के और इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस मान के, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एक्स, तो जरा देखो शुरू में लीनियर वेरिएशन है आर के साथ, जब आर किसके बराबर हुआ टी बाई टू के, उसके बाद क्या हो गया यूनिफॉर्म आ गया और इक्वलिटी दोनों में आर की वैल्यू, सॉरी दिस इज टी बाई टू, दिस इज ऑल्सो व्हाट टी बाई टू, ठीक है इतनी बात। अब आर की वैल्यू टी बाई टू डालो तो दोनों क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं, सेम भाई इधर भी हो गया, ये आ गया हमारे पास, ठीक है दिस इज माइनस टी बाई टू, जीरो से माइनस टी बाई टू, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन आ गया। अब मैंने क्या करा आपको कुछ ऐसे सिस्टम्स जिनमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करके बता दी, क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कुछ नॉन यूनिफॉर्म वाले भी एक दो एग्जाम्पल लेने हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे क्या कहते हैं अगले टॉपिक की, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगा, ठीक है फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हम रिविजिट करेंगे बाद में दोबारा से जब हमें गॉस लॉ से पढ़नी होगी, ठीक है इतनी बात। तो अब जरा देखो, अब एक दो एग्जाम्पल हम नॉन यूनिफॉर्म वाले ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में सबसे पहले लेते हैं एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, थोड़ा बड़ा बना देता हूं, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर with spherical cavity, with a spherical cavity and remaining sphere, बाकी जो sphere है ये वाला portion, रिमेनिंग स्फीयर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी प्लस रो, ठीक है एक चीज और गिवन है मुझे, स्फीयर का सेंटर सी वन, कैविटी का सेंटर सी टू, ये हमें इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे रखा है कितना दे रखा है ए वेक्टर दे रखा है, ठीक है इतनी बात। अब मुझे क्या बताना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड कैविटी, एट एनी पॉइंट इनसाइड कैविटी, किसी भी पॉइंट पे इनसाइड कैविटी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। अब मेरी बात सुनो, हमें पता है एक नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रो आर अपॉन
थ्री एप्सिलॉन नॉट होता है आर दूरी पे, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड, ये पता है हमें, हाँ या ना? ठीक है, अब मैं सवाल को करने के लिए क्या करता हूं, सुपरपोजिशन यूज करता हूं। सुपरपोजिशन इन द सेंस मैंने क्या कहा कि मैंने इसको भी प्लस रो दे दिया, ठीक है, और उतना ही क्या दे दिया, माइनस रो भी दे दिया, ठीक है। मतलब कैविटी इज गिवन चार्ज डेंसिटी प्लस रो एज वेल एज व्हाट, माइनस रो। तो मैं क्या कह रहा हूं, कैविटी इज गिवन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी प्लस रो एंड माइनस रो। तो एक्चुअल में अभी भी कैविटी है, उसके अंदर कोई चार्ज है नहीं, कि जितना प्लस रो उतना ही क्या है, माइनस रो है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब हमारे पास एक कंप्लीट बड़ा स्फीयर हो गया, कौन सी चार्ज डेंसिटी का, प्लस रो का, और एक कंप्लीट छोटा स्फीयर हो गया, कौन सी चार्ज डेंसिटी का, माइनस रो का। पक्का क्लियर है? ठीक है, तो मैं जरा चार्जेस हटा रहा हूं ताकि सवाल करने में आसानी रहे, बाकी चीजें भी मिटा रहा हूं। हमारे पास क्या है, देखो एक मिनट, नाउ वी हैव बिग स्फीयर विद चार्ज डेंसिटी प्लस रो एंड स्मॉल स्फीयर विद चार्ज डेंसिटी माइनस रो। यही कहानी है। अब जरा देखो, मान लो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, ये वेक्टर मैंने x ले लिया, कितना ले लिया x, तो पहले मैं बड़े वाले स्फीयर की वजह से निकाल रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस रो चार्ज डेंसिटी है और ये पॉइंट बड़े वाले स्फीयर के अंदर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड आ जाएगा, कितना, E वन वेक्टर, और E वन वेक्टर आएगा कितना, E वन वेक्टर इज इक्वल टू रो x वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, यही आएगा। अब हम छोटे वाले स्फीयर की वजह से देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लेते हैं ये वेक्टर कितना है, y है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा E2 अंदर की तरफ, क्योंकि माइनस रो है चार्ज डेंसिटी, तो E2 आ गया, E2 y वेक्टर के अलोंग डायरेक्टेड होगा, तो E2 इज इक्वल टू रो y वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर आ रही है वो इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो E इज इक्वल टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन x प्लस क्या आ गया, y आ गया, एंड व्हाट इज x वेक्टर प्लस y वेक्टर, दैट इज a वेक्टर, तो E वेक्टर आ गया रो a वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, x वेक्टर प्लस y वेक्टर विल बी a वेक्टर। मजेदार बात देखो, a वेक्टर इज कांस्टेंट, पता है हमें, रो ऑफ यूनिफॉर्म है, पता है हमें, 3 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, e वेक्टर इनसाइड कैविटी इज यूनिफॉर्म, कैविटी के अंदर e वेक्टर क्या है, यूनिफॉर्म है, e वेक्टर पैरेलल टू व्हाट, a वेक्टर, डायरेक्शन हर पॉइंट पर a वेक्टर के पैरेलल है, और मैग्नीट्यूड में e किसके बराबर है, रो a अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये कितना बढ़िया रिजल्ट आ गया। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन बता देता हूं मैं इसी में, इफ वी हैव, तो हमारे पास, मैं चलो डायग्राम बना के बता देता हूं, हमारे पास एक इनफाइनाइट सिलेंडर है, ठीक है, इनफाइनाइट सिलेंडर नॉन कंडक्टिंग, इसमें ऐसे करके एक सिलेंड्रिकल कैविटी है,
वो भी इन्फाइनिट है. दिस इज व्हाट सिलिंड्रिकल, सेम क्वेश्चन है, इसी वजह से मैं यही बना रहा हूँ. सिलिंड्रिकल कैविटी और इसकी एक्सिस ये हो गई, दोनों के एक्सिस के बीच में जो वेक्टर दे रखा है, मुझे ए वेक्टर दे रखा है सपोज, ठीक है. कैविटी छोड़ के बाकी हिस्से में क्या है, बाकी हिस्से में प्लस रो है, यूनिफॉर्म. अब अगेन मुझे क्या करना है, फाइंड ई वेक्टर एट एनी पॉइंट इनसाइड कैविटी. फाइंड ई वेक्टर एट एनी पॉइंट इनसाइड कैविटी, ये करना है, ठीक है. कर लेते हैं बेटा. अब हम इसका टॉप व्यू ले रहे हैं, ये सिलेंडर और ये कैविटी वाला सिलेंडर. मैंने क्या करा, गिव प्लस रो एंड माइनस रो टू कैविटी. तो वही कहानी बन गई कि ये अभी भी कैविटी है क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है. प्लस रो माइनस रो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं. अब ये एक सिलेंडर है, उसके सेंटर से एक्स दूरी पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड. प्लस रो वाला सिलेंडर था पूरा कंप्लीट, एक तो ये बन गया, और एक माइनस रो वाला सिलेंडर बन गया. तो इस जगह पे प्लस रो वाले की वजह से क्या हो जाएगा, रो एक्स अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, आज ही पढ़ा हमने, ठीक है, इतनी बात रेडियली आउटवर्ड. और ये माइनस रो वाला है, इसकी वजह से क्या, रो वाई अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा इन दोनों का, वेक्टर सम. देखो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी फिर से क्या आ गई, यूनिफॉर्म आ गई, ए के पैरेलल, और मैग्नीट्यूड में कितना, रो ए अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इतनी बात. और भी बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के, वो भी देख लेते हैं, वो भी करा देता हूं मैं आपको. एक आधा और देख लेते हैं. जैसे हमारे पास एक सेमी सर्कुलर आर्क है, ऊपर वाले आर्क पे, क्वार्टर आर्क पे प्लस लैम्डा, और नीचे वाले पे माइनस लैम्डा. अब इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो आपको आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है. क्या फॉर्मूला होता है बेटा आर्क की वजह से, आपको मैं दोबारा रिकॉल करवा देता हूँ. ये आर्क है, ठीक है, इसके सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है. मैंने आपको डिराइव करवाया था क्योंकि मुझे याद नहीं, इस वजह से मुझे डिराइव करना पड़ रहा है. सपोज टोटल चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, ठीक है. अब मैंने क्या करा, छोटा सा एलिमेंट लिया, ये एंगल बाई सेक्टर, ठीक है, ये एंगल इधर, टोटल एंगल कितना है, मान लेते हैं टोटल एंगल इज व्हाट, बीटा. मैंने छोटा सा एंगल लिया अल्फा, और ये डी अल्फा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, डी ई दैट वुड बी के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये एंगल कितना, अल्फा. इसके दो कंपोनेंट, एक डी ई कॉस अल्फा और एक डी ई साइन अल्फा. मैंने डिराइव करा रखा है, मैं दोबारा करा रहा हूँ, ध्यान रखना. ये वाला क्या कर जाएगा, बाईसिमेट्री कैंसिल आउट. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, एंगल बाईसेक्टर पे आएगी. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर सम ऑफ व्हाट, डी ई कॉस अल्फा. ई इज व्हाट, के कॉन्स्टेंट है बाहर, आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर, अंदर बचा के हमारे पास डी क्यू इंटू व्हाट, कॉस अल्फा, ठीक है. अब आप देखो एक मिनट, अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लेमडा है मान लेते हैं, तो ये जो चार्ज होगा डी क्यू, डी क्यू विल बी लेमडा इंटू आर इंटू डी अल्फा. तो अगर मैं डी क्यू की वैल्यू डालता हूँ, तो ई कम्स आउट टू बी के अपॉन आर लेमडा कॉस अल्फा डी अल्फा. यही आएगा कि नहीं आएगा, माइनस कहाँ से, बीटा बाई टू से प्लस बीटा बाई टू तक,
तो क्या आ जाएगा, 2 साइन बीटा बाय 2 आ जाएगा, तो E इज के लैम्डा 2 साइन बीटा बाय 2 अपॉन व्हाट R, ठीक है। चलो कर लेते हैं, अब अभी प्लस वाला है तो इससे 45 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, E1 वेक्टर, और E1 होगा कितना, E1 इज 2 के लैम्डा साइन 90 बाय 2 यानी कि 45 यानी कि बाय रूट 2 आर। इसी तरीके से इसकी वजह से, इसकी वजह से ऐसे आएगा 45 डिग्री पे। E2 मैग्नीट्यूड इसका भी सेम आएगा बेटा, क्योंकि सेम ही है सब कुछ। अब जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों की वजह से, वो ऐसे नीचे आ जाएगा E नेट, तो E नेट कितना होगा, E1 रूट 2 या E2 रूट 2 कितना हो गया, E1 रूट 2 या E2 रूट 2 कितना हो गया, 2 के लैम्डा अपॉन R आ गया। क्लियर इतनी बात। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट नॉन यूनिफॉर्म, क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सिस्टम्स की वजह से जब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़े। क्लियर इतनी बात। अब अभी ध्यान रखना, आज आपको बहुत सारे सवाल मिलने वाले हैं, ठीक है, इतनी बात, उनको आप कल तक मुझे सबमिट करके देंगे। क्लियर है, ठीक है। चलो अब एक आधा सवाल और देख लें बेटा। मेरे पास एक एक नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हेमिस्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हेमिस्फीयर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी प्लस रो, रेडियस आर, ये ठीक है इतनी बात। अब हमें करना क्या है, ठीक है, क्वेश्चन में ये दे रखा है, इसके सेंटर से ये पॉइंट ए है 2R डिस्टेंस पे, ठीक है, ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, ऐसे क्या कह रखा है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए एट डिस्टेंस 2R फ्रॉम द सेंटर इज व्हाट ई, देन मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे बताना है, एट पॉइंट बी विच इज एट डिस्टेंस 2R फ्रॉम द सेंटर, इसका डिस्टेंस भी 2R है सेंटर से। क्लियर इतनी बात। अब कैसे करेंगे बेटा, ठीक है, हम एक काम कर लेते हैं, मेरी बात ध्यान सुनना, मैंने क्या करा, इसको कंप्लीट कर दिया, इसको हाइपोथेटिकली मैंने कंप्लीट कर दिया। अब एक चीज देखो बेटा, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, वो किसकी वजह से, इस वाले की वजह से, ठीक है इतनी बात, और कंप्लीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे यहां पता है, ठीक है, तो ई अपर प्लस ई लोअर की वजह से इज इक्वल टू व्हाट, कंप्लीट, कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था अगर याद हो आपको, के क्यू टोटल चार्ज अपॉन व्हाट, सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर, सेंटर से डिस्टेंस कितना है 2R है, तो कितना 4R स्क्वायर। ई अपर आपको दे रखा है कितना, ई प्लस ई लोअर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन 4R स्क्वायर। अब हम बी वाले पॉइंट पे आ जाएं, तो बी वाले पॉइंट पे आप ऐसे देखो, अगर बी वाले पॉइंट को देखो, देखोगे बेटा तो ई लोअर इज के क्यू अपॉन 4R स्क्वायर माइनस ई, ऐसा ही है या नहीं है, ठीक है इतनी बात। तो इस लोअर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर नीचे की तरफ डायरेक्टेड है, और ई लोअर हमने निकाल लिया, वो रखी भी है। तो इसी तरीके से अगर आप बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहोगे इसकी वजह से, तो कैसा हो जाएगा,
ऐसा हो जाएगा। और जितना ई लोअर यहाँ इसकी वजह से, इस वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ नीचे आया है, तो इस वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर आएगा। तो दिस इज व्हाट ई एट बी, एंड इट वुड बी इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ ई लोअर वेक्टर, क्योंकि उसके अपोजिट आ रहा है। तो ई एट बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, ई माइनस के क्यू अपॉन फोर आर स्क्वायर, ई माइनस के, के इज व्हाट, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू कितना, रो इंटू फोर बाय थ्री पाई आर क्यू अपॉन फोर आर स्क्वायर। अब जरा देखो, फोर पाई से फोर पाई कट गया, ठीक है, इतनी बात, आर स्क्वायर से ये कट गया, तो ई कितना आ गया आपके पास, ई एट बी आ गया, ई माइनस रो आर अपॉन ट्वेल्व एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है। तो आज हम यही लेक्चर रोकेंगे अपना, ठीक है, कल से स्टार्ट करते हैं, कल फिर हम पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी।